हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और पढ़ना लिखना कम सम, गप सड़का ज्यादा होता होगा। चलिए आइए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर है 23, बोले तो 23। पांचवा एप्लीकेशन है आज गॉस प्रमेय का। यहां ऊपर में लिख दें हम लोग अप्ली केशन ऑफ गॉस थियोरम। जिसे जिसे एप्लीकेशन समझना हो, गॉस थियोरम समझिए पहले, उसके बाद एप्लीकेशन समझिए। देखिए क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज्ड, ईडी लगना है, आवेशित चार्ज थीन इनफिनाइट प्लेन सीट, हिंदी देख लीजिए, आवेशित अनंत समतल चादर के, देखो इधर प्लेन समतल इनफिनाइट अनंत सीट चादर चार्ज आवेशित अधीन मने पतला, भैया तो आवेशित अनंत समतल चादर के कारण अनंत लंबाई के पतले चादर भी कह सकते हैं इसको। क्या कहेंगे, यहां से जोड़ रहे हैं, अनंत लंबाई के पतले का पतले, अब फिर यहां से आ जाइए इसको, वाह देखो कैसे पढ़ने में लगता है। हाँ क्या पढ़ेंगे, आवेशित अनंत लंबाई के पतले समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आइए सबसे पहले हम लोग चद्दर उद्दर बना लें। देखिए इसमें हम बात किस प्रकार के चद्दर की करेंगे, चदरा तो जानते हैं, टीना नहीं, हाँ चलिए चदरा जान गए, चदरा जान गए, बढ़िया बात है, चदरा जान गए। तो चदरा में होता है कई प्रकार के चदरा होते हैं, उसे चादर भी कहते हैं हम लोग। तो उसमें देखे होंगे खास करके बक्सा बनाने वाले, टड़ंक बनाने वाले, और क्या कहते हैं दरवाजा गेट वगैरह में बना लगाने के लिए जो पतले समतल प्लेन चादर होता है, एकदम चौकी के आकार का, बेंच के आकार का, नहीं इसी आकार का, जिस आकार में बोर्ड है इसी तरह से इसको कह दीजिए चादर, पतले चादर। तो इसी प्रकार के चादर की हम लोग बात करेंगे जो मोटा नहीं होगा, बिल्कुल पतला हो, बिल्कुल पतले हो। आइए देखते हैं यहाँ पर, तो क्या हो गया, ये एक चादर ले लिए, यहां से हम लोग चादर ले लिए ऐसे करके, हाँ ले लिए हैं चादर, ठीक। इसके कुछ मोटाई भी होगी, ऐसी बात नहीं कि बिल्कुल पतले होंगे। चदरा पर देखे होंगे लिखा रहता है 0.35 mm, कहीं पर लिखल मिल जाएगा, ये mm इतने पतले होते हैं। इस पर क्या करेंगे हम, आवेश दे देंगे, आवेशित कर देंगे। तो ठीक है, इस पर आवेश दे ही दिए हैं, आवेशित है ये, आवेशित है, 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 चलिए कोनो बात नहीं, दिया आवेशित, देख रहे हैं आवेशित है। ये चादर जो है ये ऐसे नहीं है, अभी बोर्ड पर आपको दिखाई पड़ते होंगे, ये बोर्ड पर दिखाई पड़ रहे होंगे कि ये चादर ऐसे है, मान लेते हैं कि अपना क्या है, एक चादर है, ये दिखाई पड़ रहा होगा चादर ऐसे, लेकिन ये चादर वास्तव में ऐसे नहीं, ये चादर वास्तव में ऐसे हैं, जिसके इस सतह पर भी आवेश है और जिसके इस सतह पर भी आवेश है, यहाँ पर इस तरह से है, तो इस तरह से है। तो देख लेते हैं ये सतह है, यहाँ पर थोड़ा सा क्रॉस सेक्शन लेंगे जिसको एरिया वेक्टर के रूप में कंसिडर करेंगे, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर की ओर होती है, नॉर्मल टू द प्लेन। जब एरिया वेक्टर पढ़ रहे थे तो वहां पर पता चला था कि नॉर्मल टू द प्लेन, एरिया क्या है, वेक्टर नहीं है, सबको ही जानते हैं, फिर भी इसको हम वेक्टर कहते हैं। तो कब कहेंगे, ये पूरे समतल है, इसमें छोटा सा क्या करेंगे, कब्चा काट लेंगे, इसको वेक्टर काट लेने से वेक्टर कह देंगे, नहीं, जब इसकी डायरेक्शन प्लेन टू द नॉर्मल हो जाए, सीधा एकदम इस पर आया और नॉर्मली 90 डिग्री पर निकल गया, तब इसको क्या कहेंगे हम लोग, एरिया वेक्टर। तो ठीक उसी प्रकार इसमें क्या कर लेते हैं, कोपचा काट लेते हैं, तो एरिया वेक्टर इधर की ओर देख रहे हैं, इधर की ओर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर की ओर, इधर की ओर।
इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर, एरिया वेक्टर भी इधर की ओर। ये तो इस सतह से हुआ ना, क्या यही प्रक्रिया इस सतह पर भी होंगे? देख लीजिए, एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है और एक प्लेन ये है, तो एक प्लेन से इधर की ओर देखें तो दूसरे सतह पर भी तो आवेश है, तो दूसरी सतह पर भी तो इधर की ओर होंगे, एरिया वेक्टर इधर की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर। तो यहां में थोड़ा बहुत क्या करेंगे, थोड़ी सी डिजाइन कर लेते हैं, कब्चा काट लेते हैं एरिया वेक्टर का, और उसी कब्चा को हम लोग क्या करेंगे, डिजाइनिंग करेंगे। आइए देखते हैं, ये लग रहा है ऐसे से गया उस साइड, इस साइड से ये प्रवेश करके निकल गया। यूं देख लीजिए, ये प्लेन है, ये मान लेते हैं ये एरिया, इतने गो का एरिया काटना, इतने गो का ग्रिमिट से, तो यूं समझ लीजिए कि ऐसे करके ये चल गया, दिखाई पड़ रहा है? देखो इधर से ये ऐसे ही कटे हैं, तो ऐसे से ये ऐसे करके देखो, इसको थोड़ा सा इधर भी देखो, थोड़ा सा इधर भी देखो, इधर ये आया है गया और इधर से निकल गया। इस सतह के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर इधर की ओर, इस सतह के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर किधर की ओर, इधर की ओर। बात समझ में आ रही है? हाँ समझते हो? तब क्या करेंगे, मना क्यों ना के लिख लें, तो इसका क्या करते हैं, वो ए नाम दे देते हैं। ठीक, ये एरिया वेक्टर जो है, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर की ओर, इधर की ओर, नाम क्या होगा इसका, ds। आ इस सतह के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर की ओर, तो नाम हो जाएगा e वेक्टर। फिर इस सतह पर आइए, पिछले सतह पर अभी तुरंत दिखाए थे, देख रहे हैं, इस सतह पर हो गया ये, दिखाई दे रहे क्या, ये छोटा हो गया, देख रहा है इसको, देख रहा है बड़े, इधर की ओर चल गया ये, और फिर इधर की ओर आ गया ये पीछे की ओर, तो आइए पीछे की ओर देखते हैं। इधर की ओर ये दिखाई यहां तक दे रहा है, इधर की ओर एरिया फैक्टर ds, और फिर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर। तो क्या करेंगे, यहां पर लिख लेंगे फटाफट, यहां से चलते हम लोग किसके अनुसार, चित्रानुसार, चित्रानुसार क्या चलेंगे, ए कोई समतल चादर है जो पतला का पतला और इस पर होगा अनंत लंबाई और क्या समतल और क्या आवेशित, कैसा आवेश, तो यहां लिखेंगे एक समान, एक समान आवेशित है, जिसका क्या कर लिया हम लोग, स्मॉल एरिया ds करने पर, सब समझ रहे हैं हिंदी में क्या क्या हो रहा है, करने पर ds एंड e वेक्टर किधर होगा, सेम डायरेक्शन में, बस इतना हो गया, इसको फटाक से पहले छाप लीजिए, उसके बाद बात करेंगे। तो इनको छाप लिए, क्या क्या है ये, इसको भी समझ लिए होंगे,
पिछली वीडियो में या इनसे पहले इसी को पहले लिख लेते थे तब कैमरा ऑन करते थे। यही कहानी है आज, यही कहानी कल, और कोई बात नहीं। ये 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 है तो इनको क्या करें, मिटाएं या फोटो को रहने देते हैं इतने दूर में काम कर ले, तो चलिए मिटाते हैं। तो अब इनको मिटा रहे हैं, इनको मिटा करके करेंगे लिखिंग लाखिंग। तो देखिए क्या होता है, हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। आज सबसे आसान टॉपिक है ये, सबसे आसान वेरी सिंपल। देख लीजिए क्या कहता है, किससे चलेंगे अब हम लोग, फ्रॉम कूलम्स लॉ, नहीं गॉस थ्योरम कहिए या लॉ कहिए, अपना क्या जाता है, फ्रॉम गॉस थ्योरम इंटीग्रेशन E डॉट ds इक्वल टू q बाय एपिसाइलिन नॉट, इंटीग्रेशन E डॉट एपिसाइलिन नॉट, E को क्या कर ले यहां पर, तो बाहर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, E डॉट ds बराबर q बाय एपिसाइलिन। इसको थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं हम लोग, थोड़ी देर के लिए ऐसा लिखते हैं E डॉट ds, क्या करें ये ज्यादा देर के लिए नहीं, थोड़ी देर के लिए E डॉट ds। अब दिखा रहे हैं, बराबर कीजिए q बाय एपिसाइलिन, यहां आइए। अब q क्या है, तो q इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, सिग्मा इक्वल टू, यहां पर देखिए सिग्मा इक्वल टू क्या जानते हैं, क्यू बाय एस। तो यहां क्यू बराबर क्या जानेंगे, सिग्मा इनटू एस। यदि यहां पर हम डी क्यू ले लें तो क्या हो जाएगा, सिग्मा इनटू डी एस। अब नौ छोटी सी एरिया स्मॉल डी एस में आवेश डी क्यू ही होंगे, आई बात समझ नहीं आया, संपूर्ण एरिया में कितना आवेश है, क्यू आवेश। तो छोटा सा स्मॉल एरिया जब ले लिए डी एस, एस में क्यू, तो डी एस में डी क्यू मानने की बात है। तो ये छोटी सी एरिया है, इतने को कब्जा कटे, यहां पर देखिए इतने को का, इतने जो देख रहे हैं ना, ये छिद्र वाला दिखाई दे रहा है, छिद्र जी देखो तो जरा, इस छिद्र को देखो जरा, देख रहा है, देख नहीं, ये जो छिद्र है तो संपूर्ण एरिया में कितना आवेश, क्यू। तो ये छोटा सा एरिया काट दिया, संपूर्ण एरिया कितना, एस। तो संपूर्ण एरिया कितना हो जाएगा, ये छोटा सा एरिया कितना हो जाएगा, डी एस। तो डी एस में आवेश कितनी, डी क्यू, डी क्यू। ये सब है किसके बराबर, याद आ रहा है कुछ, फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहां से हम चल रहे हैं नोट में, नौ स्मॉल एरिया डी एस में आवेश कितने होंगे, डी क्यू। तो आइए अब देखते हैं, इसको जगह कम होने के कारण पहले इनको छाप लें, फिर इसको हो सके तो इतना मिटाएंगे ये वाला पार्ट को, यहां से ये डंडा को यहां से मिटा लेंगे और इसमें इसको लिखेंगे क्योंकि उसकी आवश्यकता है, यहां से मिटा लेंगे। तो चलिए देखिए यहां मिटाते हैं। अब अपना यहां पर देखना पड़ेगा कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, ये तो फॉर्मूला से आए हम लोग, कहां से आए हैं, फॉर्मूला से। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या चित्र के अनुसार। तो यहां फाई ई जो है ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर नहीं है। तो इधर की ओर फाई ई, इधर की ओर फाई, टोटल फाई कितना होगा, टू फाई ना, जीरो कहां से, टोटल फाई कितना हो गया, देख लीजिए एक फाई इस सतह के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स जी, और इस सतह के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इधर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इधर, ये जीरो तब हो जाता जब ये वेक्टर क्वांटिटी होता, जब ये वेक्टर होता तो ये क्या हो जाता, जीरो हो जाता। लेकिन ये वेक्टर तो है नहीं, है क्या, स्केलर क्वांटिटी है।
तो टोटल, अब यहां इसको हम मिटा रहे हैं, इसको ई वाला पार्ट को यहां देख लीजिए और यहां पर लिखते हैं। ये फॉर्मूला वाला पार्ट, ये काम किए थोड़ा कुछ स्मॉल डीएस पर। अब चलते हैं किसके अनुसार, ऊपर में भी कहीं लिखे थे चित्रानुसार, चलते हैं देखिए यहां पर टोटल फाई ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, टू इंटू ई डी डॉट टी एस, ई डॉट टी एस, क्यों, एक इधर से टोटल में एड क्यों कर दिए, तो फाई ई इक्वल टू क्या हो गया, ई डॉट डी एस प्लस ई डॉट डी एस। जरा देखिए ये क्यों, इस सतह के कारण इधर की ओर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इस सतह के कारण इधर की ओर, इस सतह के कारण इधर की ओर, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर है, तो ये तो ऐड हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड कर देंगे, तो ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ऐड करेंगे, मीन्स ई अगुना डी एस ये जुट जाएगा। तो अब ये क्या हो गया, तो फाई ई इक्वल टू, टोटल फाई इक्वल टू टू ई डॉट डी एस, इसी के बराबर क्या हो जाना है, स्मॉल एरिया डी एस है तो स्मॉल चार्ज डी क्यू, तो डी क्यू बाय एपिसिलिन नॉट, यही तो गॉस प्रमेय में है। अब यहां पर आइए, क्या इनको मिटा सकते हैं, अब छाप लिए होंगे पहले ही, तब इनको मिटाते हैं, जरा देखिए क्या होता है। एक चीज जान लेंगे, इनके क्षेत्रफल पर, इनके आवेश पर निर्भर करता ही नहीं है ये चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड स्पष्ट दिखा देगा यहां। तो चलिए यहां पर इसको कह लें समीकरण एक, क्या कह लें, चूंकि समीकरण ये तो फॉर्मूला से आए थे, अब समीकरण एक में डी क्यू का मान रखने पर, तो देख लीजिए क्या हो रहा है, तो टू ई डॉट डी एस इक्वल टू डी क्यू बराबर सिग्मा डी एस बाय एपिसिलिन नॉट। क्या यहां से ये डी एस खत्म हो जाएगा, तो यहां ई बराबर क्या बच जाएगा, सिग्मा बाय टू। अब कहिए समतल चादर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या इनके क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, नहीं करता है, क्षेत्रफल से इसको कोई लेना देना नहीं है, इसलिए चाहे ये कपचा घो काटो या पूरे क्षेत्रफल ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे फर्क पड़ता है तो सिर्फ इसके सिग्मा चार्ज डेंसिटी से। यदि चार्ज डेंसिटी आपको मालूम है तो फिर इसके क्षेत्रफल हो या ना हो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यही है फाइनल फॉर्म। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म रह गए हैं, यदि ऐसे ऐसे चादर तीन चार को मिल जाए तो हम क्या करेंगे, तो इनको पहले छापिए फिर उनको देखते हैं। देखो यहां कलम से हुई भूल, मुख से भूल नहीं हुई थी, समझिए कलम से हुए भूल, वो अंधेरा हो गया है, नहीं दिखाई पड़ रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहे हो, कैमरा को टैप करो एक बार ऐसे करके टैप करो, उसको छुओ बीच में, आया फ्रेश, बस। तो यहां देखिए कलम से हुए भूल, बोले थे चित्रानुसार, लिख दिए त्रिचानुसार, समझ गए, तो इस चित्रानुसार को क्या कीजिए, सॉरी त्रिचानुसार को चित्रानुसार, चित्र के अनुसार, ये समझ में आए होंगे बात, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू टू इंटू ई डॉट डी एस, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, सॉरी हाँ स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं स्केलर क्वांटिटी है,
स्केलर क्वांटिटी है, आ स्केलर क्वांटिटी को डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है। जैसे क्यू में देखिए आवेश, आवेश तो प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, एक बॉडी के अंदर प्लस क्यू चाहे इधर की ओर हो, इधर की ओर हो, इधर की ओर हो, इधर की ओर हो, तो क्या करेंगे सबको जोड़ देते हैं, प्लस हो क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री प्लस क्यू फोर क्यू फाइव। यदि उसी में कोई माइनस नेगेटिव चार्ज आ गया तो उसको भी जोड़ते हैं, वो प्रक्रिया घटाने की नहीं होती है, वो प्रक्रिया जोड़ने की होती है, वह स्वतः क्या हो जाता है, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। आइए छोटा गो का गोप यहां जान ले, ये सिग्मा इक्वल टू क्यू बाय एस नहीं, सिग्मा को कहते हैं हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको क्या कहेंगे चार्ज, दिखाई पड़ रहा है जी, इसको हम लोग कहते हैं एरिया, क्या कहते हैं एरिया। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी या एरिया चार्ज डेंसिटी कहिए इनको, तो एरिया चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डेंसिटी को किससे दिखाते हैं सिग्मा से, सिग्मा बराबर टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया, तो वही किए हैं, तो चार्ज बराबर डेंसिटी इंटू एरिया, तो छोटे से क्षेत्रफल का छोटा सा चार्ज, तो ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट रहेगा, तो फिर dq इक्वल टू सिग्मा इंटू ds। तो इसको छापते हैं और देखते हैं यदि ये चद्दर अपना क्या हो जाए, ये पतला नहीं रह करके मोटा हो जाए, मोटा हो जाए, तीन चार लेयर के हो जाए, मिटाए इनको, फाइनल फॉर्म देख लीजिए यहाँ पर मिटा रहे हैं। चलिए पूरी बात, अब जैसे ये घन या घनाव आकार के हो जाए, किसके आकार के घनाव आकार के, और ये मोटे 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 इसमें परत आ जाए, तब क्या करेंगे इनको, हो इसको याद रखना ई बराबर सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। यदि इस तरह का चद्दर हो जाए, इस तरह का चद्दर हो जाए, इस तरह का चद्दर हो जाए, देख लीजिए इस तरह का क्या हो जाए, चद्दर हो जाए, ये चादर की परत की कहानी हम लोग डिटेल्स में जानेंगे जब पढ़ेंगे हम लोग ट्रांसफार्मर, तो इसको हम लोग क्रोड भी कहते हैं, ऐसा हो जाए यदि क्या हो जाए, ये सब की सब चादर ही नहीं जी। तो यहां पर देखिए क्या करेंगे, इसके कारण, इसके कारण मान लिया जाए इसको, इसके कारण E1, इसके कारण E2, इसके कारण E3, इसके कारण E4, कुछ नहीं करेंगे, टोटल E इक्वल टू E1 जोड़ E2, या ऐसे काय कर रहे हैं, कपाल खराब हो गया, कोई बात नहीं चलिए। तो E1, E2, E3, E4 आ गया, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जान लीजिए E बराबर क्या होता है E डॉट ds, E डॉट ds, इस तरह से चलेंगे तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर टोटल क्या आ जाता है यहाँ पर, इसको सॉल्व अभी तुरंत किया है, इसको सॉल्व, सॉल्व करते करते क्या आ जाता है यहाँ सिग्मा बाय टू एपिसाइलिन नॉट। ठीक उसी प्रकार ई वन बराबर सिग्मा वन बाय टू एपिसाइलिन नॉट, सिग्मा टू टू एपिसाइलिन नॉट। तो टोटल ई जब निकालेंगे यहाँ पर, यहाँ देख लीजिए, तो ई वन इक्वल टू सिग्मा वन बाय टू एपिसाइलिन नॉट, E2 इक्वल टू सबका डायरेक्शन सेम होगा चूंकि एक साथ है लेवल में, तो सिग्मा 2 बाय E3 इक्वल टू सिग्मा 3 बाय, आ इसी तरह से जब टोटल E निकालेंगे तो E1 जोड़ E2 जोड़ E3 इस तरह से निकलेगा, तो E बराबर क्या हो जाएगा, टू एपिसाइलिन नॉट को कॉमन ले लें, तो वन बाय टू एपिसाइलिन सॉरी वन बाय टू एपिसाइलिन नॉट इनटू सिग्मा वन जोड़ सिग्मा टू जोड़ सिग्मा, यदि सभी का सिग्मा एक जैसा होते एक जैसा जोड़ते हैं तो ये हो जाएंगे मोटे परत या कई परत के कारण क्या हो चद्दर, हो चद्दर कई परत में व्यवस्थित हो, तब इसको इस तरह से निकालते हैं। ये कहां से आया अभी जस्ट देखें, एक के कारण
तो ई वन के कारण इतना, ई टू के कारण इतना, ई थ्री के कारण हो सकता है सिग्मा वन सिग्मा टू सिग्मा थ्री ये सब के सब क्या हो जाए, समान हो जाए, बराबर हो जाए, फिर भी तो यहाँ एड करना पड़ेगा। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये एप्लीकेशन पांचवा एप्लीकेशन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन चार्ज प्लेन सीट के कारण ये एप्लीकेशन यहां पर क्या हो जाते हैं, समाप्त। इसके बाद एक एप्लीकेशन के बारे में हम लोग और जानेंगे, वैसे ढेर सारे एप्लीकेशन है जो आवश्यक एप्लीकेशन है, एक और एप्लीकेशन है, इनको फटाक से छाप लीजिए, इनको मिटाएंगे। और छठा और अंतिम, अपना अंतिम, गॉस का अंतिम नहीं, अपना अंतिम लेक्चर लिखेंगे, एप्लीकेशन लिखेंगे, फटाक से छाप लीजिए। तो आइए हम लोग देखते हैं छठा नंबर, कमा नंबर छवा नंबर होगा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज पैरेलल सीट, दो समांतर आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र, दो समांतर आवेशित समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक। जरा देखते हैं ये होता कैसा है, पहले इनको फिगर में देख ले हम लोग। अब यहां पर तो ये 2D है प्लेन, यहां हम 3D डायग्राम बना नहीं सकते हैं, फिर भी कोशिश करते हैं कि ये प्लेट है अपना, एक गो यह एक प्लेट है और यह एक प्लेट, यूं और यूं इसको मिला लेंगे ऐसे करके, यूं मिला लिए, यहां पर भी इस प्लेट को ऐसे कर दीजिए, अब लग रहा है ये दोनों प्लेट पैरेलल है, इस पर भी प्लस चार्ज है और इस पर भी प्लस चार्ज। अब सोच रहे होंगे क्या दोनों पैरेलल प्लेट पर प्लस चार्ज ही हो सकता है, क्या एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव नहीं हो सकता है, क्या एक पर नेगेटिव दूसरा नेगेटिव मतलब दोनों नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो हाँ हो सकता, दोनों पॉजिटिव हो सकता है, दोनों नेगेटिव हो सकता है, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता है। चलिए मान लेते हैं इसका एरिया कुछ होगा, इसका क्रिया कुछ होगा, उससे कोई लेना देना है नहीं, चूंकि देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लेन सीट की वजह से वो एरिया पर निर्भर करता ही नहीं है, चार्ज डेंसिटी। तो यहां मान लेते हैं इसका चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा वन, और यहां पर मान लेते हैं चार्ज डेंसिटी सिग्मा टू, फ्रेश नहीं दिख रहा, सिग्मा वन है और इसका क्या है सिग्मा टू। एक काम तो करना पड़ेगा, क्या करेंगे, एक काम करेंगे, मान लेते हैं कि कोई चार्ज क्या होगा ज्यादा होगा किसी पर, किसी पर कम होगा, ऐसा करते हैं यहां पर मान लेते हैं, लेट्स सिग्मा वन इज ग्रेटर देन सिग्मा टू, ऐसा मान लेते हैं कि चूंकि सिग्मा वन और सिग्मा टू लिए हैं तो इससे तो स्पष्ट हो गया कि ये दोनों पर का चार्ज घनत्व बराबर नहीं, ये तो स्पष्ट हो गया कि ये दोनों का चार्ज घनत्व बराबर नहीं है, जब बराबर नहीं है तो कोई बड़ा होगा और कोई छोटा होगा,
तो जो बड़ा होगा जो छोटा होगा वो जैसा दिया जाएगा देखा जाएगा, लेकिन अपने मान लेते हैं कि सिग्मा वन सिग्मा टू से क्या है बड़ा है, ऐसा मानते हैं। अब जरा देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसे हम लोग क्या करेंगे क्वाड्रेट सिस्टम में जब लेकर के जाएंगे तो एक साइड पॉजिटिव होगा यदि दूसरा साइड क्या हो जाएगा नेगेटिव साइन हो जाएंगे। तो अब जरा देखिए ये प्लेट तभी भी बताए थे यह एक प्लेट है, यह भी आवेशित है, यह भी आवेशित है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर की ओर, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर की ओर, लेकिन फिर कहेंगे कि तभी तो आप सीधा जोड़ दिए थे, तभी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जोड़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को नहीं जोड़े थे, लेकिन यहां यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें तो इस प्लेट के कारण इस सतह के कारण इधर, इस सतह के कारण इधर ये प्लेट, फिर इस प्लेट पर आए इस सतह के कारण इधर, इस सतह के कारण इधर। तो रीजन मान लेते हैं ये पहला रीजन है, कौन रीजन है ये बीच में भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, ये दूसरा रीजन है और इस साइड क्या हो जाना है तीसरा रीजन हो जाना। एक चीज यहां पर जान लीजिए हम लिख दे रहे हैं वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग तो E बराबर सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन। अब ये तो नहीं निकालेंगे हम, यहीं से आगे बढ़ेंगे। तो अब जरा देखिए इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर आ गया और इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसको कह दें ई वन और इसको कह दें ई टू। अब आइए राइट साइड में, तो राइट साइड में तो सभी पॉजिटिव माना जाता है, तो इधर की ओर निकलेगा कौन ई वन। इवन क्यों कुछ देर के लिए मानो कि ये है ही नहीं, ये प्लेट नहीं है, प्लेट का नाम रख लें ए बी। कुछ देर के लिए मानिए कि प्लेट बी नहीं है, प्लेट बी जब नहीं है तो ये ई वन जो है ये आगे की ओर बढ़ेगा, बढ़ रहा है ये। कुछ देर के लिए मानिए कि ये प्लेट बी नहीं है तो ये आगे की ओर बढ़ेगा, और अध्यारोपण के सिद्धांत से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के सिद्धांत से एक क्षेत्र या एक बल दूसरे बल की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता है, ये अपना जा रहा है तो ये जा रहा है, तो ये भी इधर की ओर जाएंगे इसके कारण भी इधर की ओर E2। अब आइए ये भी तो इधर की ओर छोड़ेगा अपना, क्या होगा E1। ये भी तो कहेगा मान लो कि बी कुछ देर के लिए नहीं है तो कहेगा E2 भी तो इधर की ओर है, नहीं आया बात समझ में जी सर। कुछ देर के लिए माने कि बी नहीं है तो ई वन का कल्पना किया, अब कुछ देर के लिए मानो कि ए यदि नहीं होता तो ये ई टू जो है ये सीधे इधर की ओर बढ़ता, जैसा बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो रीजन फर्स्ट, ये फर्स्ट रीजन इसको घेर दे रहे हैं, रीजन सेकेंड और रीजन थर्ड में इस दोनों आवेशित प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा निकालेंगे। तो ऐसे क्योंकि हमें और कुछ आइडिया नहीं है, बस Q1 सॉरी क्या कहते हैं सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दिया गया है, बाकी क्षेत्रफल उत्तरफल भी नहीं दिया गया है। तो यहां मान लिए हैं भैया क्या है सिग्मा 1 सिग्मा 2 से बड़ा, सिग्मा 1 सिग्मा 2 से बड़ा है, तो यहां देख लेते हैं 4 रीजन फर्स्ट किसके लिए, रीजन फर्स्ट के लिए। यदि यही प्लेट है, प्लेट को मानते हैं ये ओरिजिन पर है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी राइट की ओर पॉजिटिव और लेफ्ट की ओर नेगेटिव, तो क्या हो जाना है तो टोटल ई इक्वल टू ई नेट यहां लिख दें तो क्या हो जाना है ई वन प्लस ई टू। लेकिन दुख की बात है कि दोनों के दोनों क्या होंगे, क्यों ये भी यदि इस प्लेट को हम ओरिजिन पर रखें तो नेगेटिव लेफ्ट साइड इवन नेगेटिव, इसको ओरिजिन पर रखें तो लेफ्ट साइड ये भी नेगेटिव, तो क्या हो जाना है E नेट इक्वल टू माइनस ई वन प्लस माइनस ई टू, माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा E नेट इक्वल टू, E नेट इक्वल टू माइनस ए वन प्लस आ गया, मान रखें यहां पर
माइनस तो है ही ई वन, तो सिग्मा वन बाय टू एपिसाइलन नॉट, सिग्मा वन बाय टू एपिसाइलन नॉट प्लस सिग्मा टू बाय टू एपिसाइलन नॉट। यहां और क्या कॉमन आ सकता है? वन बाय टू एपिसाइलन नॉट, तो माइनस वन बाय टू एपिसाइलन नॉट क्या हो जाएगा? सिग्मा वन प्लस, देखो तो यहां दिखाई पड़ रहा है सिग्मा टू, सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू। ई नेट किस रीजन में आया है? फर्स्ट रीजन में। क्या इस ई नेट को हम ई वन कहें? ई फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा? माइनस वन बाय टू एपिसाइलिन नॉट सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू। उम्मीद करते हैं ये समझ में आए होंगे कैसे निकला रीजन फर्स्ट। यहां निगेटिव क्यों लिए? ये दोनों किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो फटाक से इनको लीजिए आप छाप, अब फिर देखते हैं रीजन सेकंड में। तो जब आप आएंगे तो आपके भरोसे नहीं रुकेंगे कि नहीं मिटाना है। ये एपिसाइलिन नॉट है, यहां देख लीजिए, इसको हम मिटा देंगे, अब फिर निकालेंगे रीजन सेकंड में और रीजन थर्ड में। फटाक से छापिए। तो चलिए इनको करते हैं मिटांग मिटांग। अभी निकाले हैं रीजन फर्स्ट, अब रह गया सेकेंड और थर्ड, देख लेते हैं क्या होता। अपन मिटाते हैं इनको, इनको रहने दे रहे हैं, अभी इनको रहने दे रहे हैं। अब चलिए देख ले यहां से हम लोग क्या लेंगे रीजन रीजन सेकंड। किस क्षेत्र में आ जाएंगे हम लोग? ये बीच वाला में, ए प्लेट और बी प्लेट के बीच में आ जाएंगे, प्लेट ए और प्लेट बी के बीच में। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या हो जाना है? ई नेट या ई सेकंड का लें इनको, तो ई सेकंड बराबर क्या होगा? ई वन वेक्टर जोड़ E2 वेक्टर। आइए यहां पर देखते हैं E सेकेंड इक्वल टू क्या होगा? E1 तो पॉजिटिव, तो E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? E1 माइनस माइनस E2। ऐसा क्यों? नेगेटिव डायरेक्शन में। तो E सेकेंड बराबर क्या हो गया? E1 माइनस, आइए मैग्नीट्यूड की बात कर लें हम लोग, तो ई वन क्या कर सकते हैं इसको? सिग्मा वन बाय टू एपिसाइलिन नॉट माइनस सिग्मा टू बाय टू एपिसाइलिन नॉट। तो क्या करेंगे? ले लेंगे कॉमन, वन बाय टू एपिसाइलिन नॉट इनटू सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू। ये किस रीजन में है? यहां लिख दे रहे हैं यदि यदि सिग्मा वन बराबर सिग्मा टू बराबर सिग्मा हो जाए, तो सेकेंड रीजन में क्या हो जाना है? शून्य हो जाना है। आई बात समझ में? तो फटाक से इनको छापिए, यदि वाला भी कंडीशन लिख लेंगे, यदि ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। तो चलिए इनको समझ गए रीजन सेकंड में क्या होगा। अब आते हैं रीजन थर्ड, देखिए पहला दूसरा बीच वाला और तीसरा, तो यहां लिखेंगे अब रीजन थर्ड। इन सबको एक बार मिटाने दीजिए क्या होगा, मिटा रहे हैं, छाप लिए होंगे, फिर से लिखना पड़ेगा, लिखेंगे कम से कम पांच सात बार, तो इनको क्या करें प्रैक्टिस करें। अब लिखते हैं रीजन थर्ड, किस रीजन की बात होगी? थर्ड रीजन की। तो ई थर्ड का दे यहां नेट, तो क्या हो जाएगा? ई वन प्लस ई टू।
आइए E3 बराबर देखते हैं क्या होता है, E1 का वैल्यू क्या होगा, डायरेक्शन तो सेम है सबका, पॉजिटिव रह जाएगा, तो E1 का वैल्यू सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट E3 मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट कोमा ना सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। एक चीज जानिए, यदि यहां यदि सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 बराबर क्या हो जाए सिग्मा, तो E3 बराबर होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, करके देख लीजिए ना, मेरा क्या जाता है सिग्मा सिग्मा तो 2 सिग्मा 2 2 मर गया बच गया 1/1 सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। जरा याद कीजिए ये कहीं पर आया हुआ है चीज है जी, कहां पर आया था ये कहीं आया है सरफेस पर, आ गया बस वही कहानी है और कुछ नहीं। कभी कभी पूछ सकता है कि ये फॉर्मूला किन किन के लिए अप्लीकेबल हो सकता है, तो दो दो करके युग्म में दे देगा ऑप्शन में, ये किसके किसके लिए अप्लीकेबल है, तो राइट साइड ऑफ 2 पैरेलल प्लेट जी और होलो स्फेयर के सरफेस पर। तो छापिए इनको फटाक से, कंडीशन एक और ले लेते हैं, इसी का है कंडीशन, रीजन 3 नहीं, उस कंडीशन अलग होगा। तो चलिए उम्मीद है इनको आप छाप लिए होंगे। आइए लेते हैं अगला कंडीशन, इसमें तो हो गया इस साइड बीच में इस साइड, इसको रहने दे रहे हैं फोटो को, इन सबको E1 E2 को मिटा रहे हैं यहां से देखिए, और फोटो को मिटा मड़ा फिर से बनाएंगे फिर से बनाएंगे और देखेंगे क्या कंडीशन है। कंडीशन देखना है, कंडीशन कंडीशन देखना है, क्या देखना है कंडीशन, यहां ले रहे हैं इफ कंडीशन में चलना, किसमें इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू माइनस सिग्मा 1, नहीं समझा, एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज हुआ दूसरा प्लेट नेगेटिव चार्ज हो, तो इसको क्या कह सकते हैं सिग्मा इक्वल टू माइनस सिग्मा कह सकते हैं, और ये दोनों आपस में बराबर है तो बराबर इसको क्या मान लिया सिग्मा, तो एक सिग्मा पॉजिटिव है तो दूसरा सिग्मा क्या है नेगेटिव है, माने ये प्लेट ए पर है और ये प्लेट बी पर है। आइए प्लेट बना ले हम लोग, खाने में अच्छा रहेगा, पॉजिटिव है, जानकारी के लिए बता दें इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन होने वाला है कंडेंसर में कैपेसिटर में, जस्ट इसके बाद आने वाले टॉपिक में आता है, इन्हें याद रखें, यहां हम लिख देंगे सदा याद रखें, सदा याद रखें, ये सादा नहीं है ये सदा है, सदा याद रखें। तो चलिए ये पॉजिटिव है, आइए क्या हो गया इसी तरह से नेगेटिव, ओह ये भी पॉजिटिव ही दे दिया, गड़बड़ आ गया, गर्मी है ना इसलिए। एक जरा एक सूची सोच करके देखिए कि कंप्यूटर का लेब हमेशा एयर कंडीशनल कमरा में क्यों होता है, देखिए किसी भी इंस्टीट्यूट कॉलेज किसी भी ऑफिस में चले जाइए, यदि वो कंप्यूटर लेब है तो उस निश्चित ही वो क्या होगा एयर कंडीशनल होगा, कभी सोचे हैं, यदि इनका जवाब मिल जाए तो थोड़ा कमेंट में लिख करके भेज देना हमें,
तो चलिए इसको क्या करेंगे, माइनस 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 माइनस। अंग्रेजी, हिंदी, ठेठी, उर्दू, बांग्ला सब चलेगा, जिसमें कमेंट करके लिखो, लेकिन इसका आंसर लिख करके भेज देना। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये ए है और ये बी है, इस पर है क्यू और सॉरी सिग्मा, इस पर है माइनस सिग्मा। अब आइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की थोड़ी जानकारी ले ले, फिर यहां कहेंगे रीजन फर्स्ट, ये कहेंगे रीजन और यहां कहेंगे रीजन थर्ड, रीजन फर्स्ट, रीजन सेकंड, रीजन थर्ड। यदि ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, यहां हम लिखते हैं कारण, लिखते हैं, जरा देखिए इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं, इसका कारण लिखते हैं। क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज मूव्स, लाइंस दिए हैं तो मूव फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट, प्लेट की जगह पर हम चार्ज भी लिख सकते हैं, घबराना नहीं, चार्ज टू नेगेटिव प्लेट के बीच में क्या लिख लें, चार्ज। देख रहे हैं, ये शायद पढ़े होंगे, विद्युत बल रेखाएं हमेशा पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर गमन करते हैं, इसलिए भैया बताइए बताइए रीजन फर्स्ट, रीजन फर्स्ट में E1 बराबर, E1 बराबर क्या होगा, क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जब इधर की ओर एवे नहीं करेगा तो क्या इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नहीं नहीं होगा, इसका तमाम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस किधर की ओर गमन करेगा, नेगेटिव प्लेट की ओर। आई बात समझ में, ये क्यों हो गया, क्या इसको सॉल्व करने की बात है, क्या लिखे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज मूव फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट मीन्स पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, यदि बगल में पॉजिटिव चार्ज है बगल में नेगेटिव चार्ज है तो ये चाहे ऐसे घूम करके जाएं या ऐसे घूम करके जाएं, इसको इधर जाना ही पड़ेगा, ये इधर की ओर सीधे नहीं जा सकते। देखे होंगे फिगर में, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो यूं गया यूं गया यूं गया यूं गया, लेकिन ये ऐसा नहीं देखे होंगे, ऐसे करके फिर ऐसे करके ये चला जाता, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इससे यह स्पष्ट होता है कि रीजन फर्स्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। बात समझ में आ गया, तो इनको छापिए, फिर बात करते हैं रीजन किसकी, सेकंड की, फटक से छापिए इनको। तो ये बात समझ में आ गए हैं, आइए सेकंड की बात नहीं करें पहले, किनकी बात कर लें, थर्ड क्या, आप कह सकते हैं थर्ड क्या होने वाला है, ये भी जीरो होने वाला है, क्यों, यहां पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट मेक क्लोज लूप, याद कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो बंद लूप का निर्माण नहीं करता है, हमेशा ओपन लूप। अब जब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड गया, इसको जैसे ही क्रॉस करके इस साइड आया, तब तो ये बंद लूप का निर्माण कर दिया, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से गया है और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें इधर से आ रहा है, एंट्री मार रहा है, तब तो ये प्रतीत तो होगा कि एक ऐसा लूप का निर्माण हो रहा है, नंबर एक बात। दूसरी बात यहां कहें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को कभी क्रॉस भी नहीं करता है, याद कीजिए
एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर से चला, दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर से चला, क्या ये एक दूसरे को क्रॉस कर सकता है किसी बिंदु पर? अतः ये नेगेटिव प्लेट के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होगा। यहां पर क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये दे दिया, ये दे दिया, पूछेगा कि इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसमें होगा? सबसे ज्यादा नहीं, केवल वह केवल किसमें होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें होगा। पूछेगा सबसे कम किसमें होगा? दो, फर्स्ट और थर्ड दोनों में होगा। सबसे कम माने जीरो नहीं होगा। आई बात समझ में? आइए किस पर बात करें, थर्ड पर। छाप लिए होंगे, फटाफट छाप लीजिए, तब तक इसको साफ कर लेते हैं। फटाफट छाप लीजिए, फटाफट छाप लीजिए। छाप लिए होंगे जी। चलिए उम्मीद करते हैं इनको आप छापे होंगे और समझ में भी आ गए होंगे कि ऐसा क्यों हो जाता है। ये सब कारण में पूछ सकते हैं। यहां तो कारण में कभी कभी ये भी पूछ देता है। यहां देख लीजिए क्वेश्चन, हम शॉर्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, लिखना चाहे तो लिख लीजिए। क्वेश्चन ये क्वेश्चन पूछ देता है कि खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र क्यों नहीं होता है। ये क्वेश्चन कई बार देखा गया है, खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं होता है क्यों? तो इसका कारण है कि जैसे ही अंदर की ओर विद्युत बल रेखाएं जाएंगे, वो सभी केंद्र पर जाकर के क्या हो जाएगा? मिल जाएगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, एक दूसरे को क्रॉस करेगा, जो संभव ही नहीं है। अतः खोखले गोले के भीतर, आवेशित खोखले गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र नहीं होता। आइए रीजन किसकी बात कर ले हम लोग, रीजन सेकेंड में देखिए। अब रीजन सेकेंड में E इक्वल टू क्या होता है? E सेकेंड। तो E वन जोड़ E टू ना, तो E सेकेंड बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए 1/2 एपिसाइले नॉट सिग्मा वन जोड़ सिग्मा टू। सिग्मा सिग्मा तो सिग्मा है। अब यहाँ पर देखिए सिग्मा जो है ये नेगेटिव पॉजिटिव है ना जी, लेकिन इससे फर्क क्या पड़ता है? स्केलर है, इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अब यहाँ पहली रीजन, दूसरी रीजन, इस तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंचा है, एक तो ये सतह बनाया है और दूसरा ये सतह लोड करके गया, तो सिग्मा वन इक्वल टू सिग्मा टू इक्वल टू सिग्मा। तो ई सेकेंड बराबर क्या हो गया? 1/2 एपिसिलन नॉट इनटू सिग्मा प्लस सिग्मा। जरा देखिए क्या हो रहा है, ई सेकेंड बराबर तो 2 सिग्मा, तो क्या हो गया 1/ सिग्मा बाय, कहीं आया है ये जी। 3 बार आ चुका है। चाहे प्लेट, याद रखेंगे हमेशा, चाहे प्लेट पॉजिटिव हो चाहे प्लेट नेगेटिव हो, दोनों प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे ये दूरी कितनों क्यों नहीं हो जाए। याद रखेंगे यहां पर, क्या याद रखें? याद रखें इसको लिखा रहे हैं, पहले इनको लिख लीजिए, पटक से लिख लीजिए। तो इनको लिख लिया होंगे, धीरे धीरे शब्दों में इनको लिखिए, सदा याद रखें, में मैंने याद रखें, लिखते जाइए। दो थीन सीट के बीच, दो थीन मतलब पतले चादर के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नियत रहता है, यदि लिखें, यदि दोनों सीट का चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट हो,
चार्ज डेंसिटी क्या हो? कांस्टेंट हो। लिख लिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। यह सीट के बीच के दूरी पर, यह सीट के बीच के दूरी पर निर्भर नहीं करता है। यह सीट के बीच के दूरी पर निर्भर नहीं करता है। लिख लिए, बढ़िया किया। तो आज हो रहा है कूलम्स लॉ, सॉरी कूलम्स लॉ बार बार आ जाते हैं, गॉस लॉ या गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन, फिनिश। अगले बार मिलेंगे, इनको छाप लिया ना, एक बार देख लीजिए, यदि नहीं छापे तो फटाक से छाप लें। अगले बार जब मिलेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ मिलेंगे, मीन्स विद्युत विभव। तो पिछला पूरा तैयारी करें, आगे जो बताएं, अगली लेक्चर जो होगी वो किस पर आधारित होगी? विद्युत विभव पर आधारित। आंख गुड़ा कर क्या देख रहे हो? बढ़िया देखो, हाँ क्या कह रहे थे? विद्युत विभव पर होगी, तो उनको आगे पढ़ें। तो आज की कहानी यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शुभ विदा, खुश रहें, सुखी रहें, घर में रहें, और ये कोरोना महाकाल से अपने आप को सुरक्षित रखें। धन्यवाद।